टिप्स टू एवरीथिंग इन हिंदी के लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो टिप्स टू एवरीथिंग इन हिंदी। और आज के वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं या फिर आज हम रिव्यू देने वाले हैं इस बेबी हग डायपर के बारे में। ये डायपर जो है आपको फर्स्ट क्राई, अमेज़न या कोई भी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। और आज हम इसको टेस्ट भी करेंगे, आज हम बताने जाएंगे कि ये जो डायपर है इसकी खासियत क्या क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या है, और इसके साथ साथ आपको ये भी इसको टेस्ट भी करेंगे कि कितना वाटर होल्ड कर पाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, चलो इसको जल्दी से जल्दी आपको इसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स बता देता हूँ। पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि ये ऑल साइजेस में अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हो ये स्मॉल से लेके न्यू बॉर्न से लेके जो है लार्ज, एक्सेल और मतलब जो बच्चे 12 टू 17 केजीज के होते हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। ये वाला जो है एक जंबो पैक है, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 64 केजीज जो है 64 डायपर्स जो है वो दिए गए हैं। और गाइस मैं बताना चाहूंगा कि अभी अनवेशा बड़ी हो गई है, वो कम से कम 3.5-4 साल की होगी अब इस अप्रैल में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो डायपर का यूजेज है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया है, ऑल थैंक्स टू सोनियो, उसने बहुत ज्यादा जो है वो रिड्यूस करवाया है उसका डायपर का यूजेज। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी हम लोग जो है डायपर सिर्फ यूज करते हैं जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं और जब हम कोई फंक्शन में जाने वाले होते हैं, तो धीरे धीरे जो है आपका जो डायपर का यूज है वो रिड्यूस हो जाएगा और तभी आप को अलग लगेंगे। इसके पहले हमने जो है दूसरे वाले डायपर्स यूज किए थे, अब जो है हम ये ट्राई करके देख रहे हैं क्योंकि इसकी काफी ज्यादा रिकमेंडेशन आई है। तो इसके कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ या फिर मैं फीचर्स बता देता हूँ। पहली बात अगर आप देखोगे तो ये सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है, उसके साथ साथ इसमें एक एंटी रैश एंड जेंटल भी है ये, और इसमें जो है एक एक्स्ट्रा एब्जॉर्बेंट शीट है और ये एलोवेरा के साथ आता है। जैसे आप देखोगे तो ये साइड पे अगर मैं आपको दिखाने जाऊँ तो इसका डायपर का जो डिजाइन दिया गया है यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इसमें एक हनी कॉम मैश दिया गया है जिसकी वजह से लिक्विड का जो एब्जॉर्बशन है वो एकदम इक्वलाइज तरीके से हो जाता है। उसके साथ साथ इसमें एक एब्जॉर्बशन एडी लेयर दी गई है, उसके साथ साथ एक्टिव जेल है, इसमें 3D लीक गार्ड है, मतलब ये जो साइड की जैसे हमारी अंडरपैंट्स में होती है उस तरीके का इलास्टिक दिया गया है यहाँ पे। उसके साथ साथ ये एंटी रैश शीट के साथ आता है, एलोवेरा के साथ आता है। इसका जो इलास्टिक है ये फ्लेक्सिबल है, अभी नॉर्मली सारे जो ब्रांड्स है वो यही यूज कर रहे हैं। और इसका जो डिजाइन दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हो, ये बताता है कि ये प्रिवेंट्स हैवीनेस। अब ये कोई जब अन्वेषा पहनेगी और ट्राई करेगी तभी पता चलेगा कि ये कितना यू नो एक्टिव है। उसके साथ साथ ये यू नो सॉफ्ट है और उसके साथ साथ ये ब्रीदेबल मटेरियल है। ओके, सो अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको हम टेस्ट करेंगे। ओके, ये प्रूव करता है या फिर ये दावा करता है कि ये 12 आवर्स का जो है ड्राइनेस देता है। आइडियली किसी भी बच्चे को 12 आवर्स डायपर नहीं पहनानी चाहिए क्योंकि हीट हो जाएगी, बट देन स्टिल बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जब आपको बच्चे को 12 आवर्स या उससे भी ज्यादा या फिर पूरे दिन डायपर में रखना पड़ता है। तो हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे, हम एक ओपन करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये सोडियम का कुकिंग ग्लास है, ठीक है, जो केक बनाने के लिए यूज करती है। और इसमें जो है अगर आप देखोगे मैंने 300 ml के आसपास इसमें वाटर लिया हुआ है और हम देखेंगे कि ये डायपर कितना जो है वो सोख सकता है एक पर्टिकुलर टाइम में। तो अगर ये बहुत ज्यादा पानी सोख सकता है, जितना ज्यादा पानी सोखेगा उतना ज्यादा ये ड्राइनेस रखेगा। तो चलिए इसको जल्दी से ओपन करते हैं और देखते हैं। हमने एक डायपर निकाल लिया है। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि डायपर जो है काफी, इसका जो इलास्टिक है ये काफी अच्छा लग रहा है। उसके साथ साथ ये जो फिट है, ये स्नक फिट जो इन्होंने बोला है, तो अगर आप देखोगे यहाँ से अगर आप देखो एक कर्व है तो ये जो हिप का पार्ट है उसको ये अच्छे से हग करेगा। और उसके साथ साथ अगर मैं देखने जाऊँ तो ये पूरा का पूरा इतना बड़ा डायपर है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे लिखा हुआ है बैक, मतलब अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको बच्चे लोग संभालने का एक्सपीरियंस नहीं है या नॉर्मली आप लोगों ने इंटरनेट पर वीडियो देखे होंगे कि पापा जो है जो अच्छे से मतलब कॉमेडी वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे उल्टा डायपर पहना देते हैं या कभी कभी मॉक डैड भी अलग से पहना लेते हैं, तो ये उसके लिए काम आएगा, आपको फ्रंट बैक बताएगा। ओके, उसके साथ साथ गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके ऊपर एक काफी अच्छी डिजाइन बनी हुई है। और अगर मैं इसकी कॉस्टिंग निकालने जाऊँ तो ये जो MRP इसकी दी गई है ये 1145 है। अगर मैं उसको डिवाइड बाय 64 करता हूँ तो समवेयर अराउंड मुझे ऐसा लगता है कि 17 या 18 रुपीज एक डायपर की कॉस्ट पड़ेगी। अगर आप फर्स्ट क्राई से लेते हो ये तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट पड़ेगा और आपको जो है ये पर्टिकुलर डायपर जो है उस पे जो है अराउंड 999 या 995 रुपीज में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैं आपको कूपन कोड भी दे दूंगा और वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं दिखाने जाऊँ यहाँ पे तो यू कैन सी ये काफी अच्छा है। यहाँ पे ये जो लाइनिंग है ना गाइस, जब भी आप कोई डायपर लेते हो तो ये जो लाइनिंग दी गई है, ये जो साइड की लाइनिंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है वो कोई भी मतलब बच्चे जब सुसु करते हैं तो वो लीक नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं इसके अंदर, तो इसको थोड़ा उल्टा कर लेता हूँ। तो इसका जो हनीकॉम मेश जो ये लोग बात कर रहे हैं, अगर आप देखोगे बराबर से तो आपको दिखाई देगा कि हनीकॉम की डिजाइन बनी हुई है। ये एक एंटी एब्जॉर्प्शन लाइक एडवांस लेयर है एब्जॉर्प्शन का, और ये काफी सॉफ्ट है। तो चलो एक काम करते हैं, इसमें से खुशबू भी अच्छी आ रही है, भरने के बाद नहीं आएगी। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस डायपर को लेने वाले हैं, इसमें डालने वाले हैं पानी। ओके, और पानी डालने के बाद हम देखेंगे कि ये कितना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। सो गाइस, मैंने इस डायपर को ऐसे कोन की तरह बना लिया है और मैं इसमें डालने वाला हूँ पानी। तो आप देख सकते हो कि ये पानी एब्जॉर्ब किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। और इसकी जो डिज़ाइन है ये काफ़ी अच्छी है, मतलब इसने काफ़ी हद तक जो है अब एब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ पे ये गीला गीला भी नहीं लग रहा है, अगर मैं इसको दिखाने जाओ तो इसमें से पानी भी ड्रेन नहीं हो रहा है, और इसको पचकाने पे भी इसमें से पानी नहीं निकल रहा है। तो आई गेस ये और पानी सोख सकता है, तो मैं इस पर पानी डालते जाने वाला हूँ। सकते हो यहाँ पे कि ये जो है ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। टू अ सर्टन एक्सटेंट ये अभी भी ड्राई लग रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि इसमें से पानी लीक हो रहा है या फिर पानी इसमें से गिर रहा है। मैं इसको स्क्वीज कर रहा हूँ फिर भी पानी नहीं गिर रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैं इसको स्क्वीज कर रहा फिर भी नहीं हो रहा है। तो चलो इसमें और पानी डालते हैं, काफ़ी भारी हो गया यार ये। तो गाइस, आप लोग के सामने 350 ml ख़त्म हो गए, और ये डायपर जो है वो काफ़ी जाड़ा हो गया है। डायपर तो काफी जाड़ा हो गया है, और आई गेस ये 350 ml काफी अच्छे से ले लिया है, और ये जो डायपर है ये भी काफी वजन हो गया है। चलो इसको उल्टा करके देखते हैं। अभी भी इसमें जो है ये फीलिंग नहीं आ रही है कि ये मतलब यू नो फट जाएगा, या अभी भी इसमें ऐसी फीलिंग नहीं आ रही। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये एब्जॉर्ब कर सकता है। तो चलो इसकी पूरी टेस्ट लेते हैं अभी, और थोड़ा पानी लेके आते हैं। सो गाइस, वापस 150 ml, सॉरी दिखा रहा हूँ 150 ml के साथ मैं लेके आया हूँ, यहाँ पे दिख रहा है 150 ml। सो ये चलो इसमें डालते हैं और देखते हैं कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है ये। अभी इसकी एब्जॉर्प्शन की ताकत जो है थोड़ी सी कम हो गई है, बट देन हाँ ये अभी भी एब्जॉर्ब कर रहा है। अभी देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सॉगी हो गया, मतलब इतना ज़्यादा पानी डालने के बाद जो है इसमें फीलिंग आ रही है कि ये भर गया करके। तो चलो दूसरी साइड पे डाल के देखते हैं। ये एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो धीरे 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 डालेंगे और पानी। जो है इसमें डाल दिया है लगभग, और इसमें जो है लगभग और डाल दिया है, इसमें सिर्फ अभी 25 ml बचा है, मतलब मैंने इसमें और 125 ml पानी डाला है, और अब ये थोड़ा सा जो है मतलब सॉगी लग रहा है। तो काफी भारी हो गया ये इतना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करने के बाद, बट अभी भी अगर मैं इसको स्क्वीज करूँ तो पानी गिरना नहीं है। तो जो इसकी कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है, हमने कम से कम 475 ml ऑफ वाटर इसमें डाला है। तो ये था इस डायपर का कंप्लीट टेस्ट, और आई होप आपको ये टेस्ट पसंद आया होगा। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट क्राई पर इस पर बहुत सारे जो है ऑफर्स चल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन देखना मत भूलिएगा। और यस, तो गाइस इसको टेस्ट करने के लिए हमने इसमें अराउंड और ज़्यादा पानी डाल दिया, मतलब अराउंड 500 ml के आसपास पानी डाल दिया, और अब मैं जब इसमें हाथ डाल रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा
वेट फील हो रहा है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे हाथ में, आपको वेटनेस दिखेगा। इतनी देर तक जो है मतलब जब तक 450 ml के आसपास जो पानी था वो काफी सोख रहा था, और उसके साथ साथ कभी भी मतलब ऐसी वेटनेस वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। पर जब 500 ml के आसपास इसमें पानी चला जाता है तो इसमें से जो है मतलब थोड़ा थोड़ा आपका बच्चा जो है वो वेट फील करना शुरू करेगा। सो गाइज आई होप आपको ये पसंद, सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, हमने हमारी बेस्ट बाय लिंक जो दे दी है आपको। उसके साथ साथ मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा इधर तक वीडियो देखने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, वो लाल वाला बटन जो है वो जरूर दबाइएगा। और थैंक यू वेरी मच इधर तक वीडियो देखने के लिए। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।